न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया था। अब आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ की टीम ने आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को प्रयागराज के कीटगंज से गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका नाम संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति, सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय और विशाल है। वहीं इस मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ ने बताया कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र छपा था। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नारायण मिश्र को आरओ एआरओ पेपर लीक करवाया था। सिपाही भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा ने आरओ एआरओ पेपर लीक करवाया था। सुनील रघुवंशी के साथ राजीव नारायण मिश्र का साथी और फाइनेंस हैंडलर सुभाष प्रकाश भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती राजीव नारायण मिश्रा और रवि अत्री के साथ सुभाष प्रकाश का भी नाम सामने आया था। वहीं अब इस मामले में रविवार को पकड़े गए अभियुक्तों को बताया कि प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन सुबह लगभग 6:30 बजे मोबाइल फोन स्कैन करके लीक किया गया था। वहीं आरोपियों के मुताबिक इस गिरोह के सरगना राजीव नारायण मिश्रा और राहुल की परिचित शिवांगी भी शामिल है। संगम नगरी प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके का मामला है। कहने को प्रयागराज स्मार्ट सिटी है और 33वें स्थान पर है और 4500 में से 400 नंबर भी मिले हैं, मगर स्मार्ट सिटी के इस मोहल्ले में पिछले 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है और लोग पानी के लिए परेशान हैं। जहां एक घर में बोरिंग है उसी से लोग लाइन लगाकर पानी भर रहे हैं और अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ मोहल्लेवासी पानी की समस्या से परेशान है और पीने के पानी की किल्लत हो रही है। और जब इसकी शिकायत करने के बावजूद भी किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। फिलहाल ऐसे पर क्या कुछ कहना है मोहल्लेवासियों का, आइए दिखाते हैं। पानी की है, 2 महीने से हम लोग को एक बूंद पानी नहीं मिला। हम लोग ने सब जगह अपना जहाँ जहाँ कहना सुना तो कह लिया, किसी ने कुछ नहीं सुना। अब इसके आगे हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं अगर अब हमारा पानी, ये बहादुरगंज अर्जमल मोहल्ले में 1.5 महीने से पानी है ही नहीं ना, और हमारा त्योहार भी निकल गया। हम लोग एक बूंद पानी से तरह हम लोग पार्क पास से पानी उठते जाके भर रहे हैं हैंड पाइप से, और 1.5 महीने से हम लोग सब तरफ गए, हर जगह से फरियाद करा, कोई हम लोग की कोई भी सुनवाई हम लोग की नहीं भाई। हम लोग को आप बहुत ज्यादा परेशानी, हम लोग ये कि जो पार्क का ट्यूब वेल जो टूटा है उसको बनाया जाए और हम लोग को पानी मिलना चाहिए। नसरीन बानो, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है और पानी को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में जो ट्यूब वेल पार्क में मोती पार्क में लगा वो फाट हो चुका है। हम लोग मेयर को भी गए थे, उनसे अपनी शिकायत की हम, मगर उन्होंने भी शिकायत सुनी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और हमारे मोहल्ले में जो हम बैल वो बोरी लगी थी वो उनकी बगल से पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा वो भी भस्म हो गया। पानी देते देते पानी हम लोग जो है मोहल्ले वाले कई पार्क के दूर दूर से पानी भर रहे हैं। हम लोग हमारा नाम चुनने, देखिए यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। बहादुरगंज में 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा और स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी किस तरीके से बहादुरगंज में, चूंकि एक तरफ मंत्री जी का मकान है दूसरी तरफ मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी घरों से बाहर निकल कर रोडों से पानी और दूसरे मोहल्लों से पानी भर रहे हैं। एक मोहल्ले के कुछ लोग हैं जिनके यहाँ ट्यूबवेल और ये सब लगा हुआ है मिनी वो वाटर, तो वहां से पानी मिल रहा है, तो लोग के अंदर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इरशाद बिल्ला, एक बार सर्राफा व्यापार में फिर से उछाल आई है और उछाल आने के कारण सर्राफा व्यापारी और आम जनता परेशान है। बता दें जहां चांदी का दाम 90 के आंकड़ा छू रहा है, 90,000 के आसपास चांदी का दाम पहुंचने का कारण ये है कि इंडस्ट्री चांदी की खरीदारी कर रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं और साथ ही मोबाइल की प्लेट्स और सोलर पैनल उसमें चांदी की खपत ज़्यादा, इसलिए इंडस्ट्री चांदी खरीद रही। तो वहीं अगर सोने के दाम की बात करी जाए, सोने का दाम 80,000 का आंकड़ा छू रहा है 10 ग्राम, क्योंकि जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच में जंग हो रही है उसके लेकर बॉर्डर सील है और व्यापारी काफ़ी परेशान है सर्राफा व्यापार में।
क्योंकि दाम बढ़ने के कारण ग्राहक बाजारों में कम है, जिससे अब बिक्री तो कम हो रही है और वहीं दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी परेशान है क्योंकि दाम बढ़ने से अब उनके हाथ के बाहर सोना चांदी। ऐसे में क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का, आइए दिखाते हैं। बढ़ने के कारण एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो बन रही है उसमें भी चांदी का बहुत यूज हो रहा है, हवाई जहाज में भी यहाँ चांदी का बहुत यूज होता है, उसमें पॉलिश वगैरह मोबाइल में भी जरूरत पड़ती है चांदी की, और जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चांदी को जो है खरीद रही हैं, जिसके कारण जो है भाव बढ़ते ही जा रहा है। इस समय तो 90,000 है, हम लोगों को उम्मीद है कि 100 हो जाएगा। सोने का रेट इस समय जो है 72,500-72,600 चल रहा है, हम लोग को अनुमान है कि ये शायद 80 तक जाएगा। इसके बढ़ने की वजह बस यही है कि हम लोगों को तो यही लग रहा था कि चुनाव की वजह से बढ़ा है, लेकिन और तो बस ये हमाम का युद्ध है, इसराइल का युद्ध है, इस वजह से भी सोना चांदी बढ़ रहा है। कस्टमर की जो दिक्कत है ये अब ये है कि आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, महंगाई की वजह से। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अब यातायात पुलिस के साथ, जहां पुलिस भी सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रही है। बता दें आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रॉयल होटल के पास, जहां सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और गाड़ी से ब्लैक फिल्म उतरवाई है, साथ ही गाड़ी के बोनेट खोलकर हूटर भी चेक कराए गए हैं, क्योंकि सख्त शासन से आदेश है गाड़ी पर ब्लैक फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न को लेकर हटाने के लिए, जिसको लेकर अब पुलिस और यातायात पुलिस सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रही है। और बता दें नियम कानून का पालन कराने के लिए लगातार पुलिस सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रही है और साथ ही सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना में उनकी जान को खतरा ना बने। यातायात पुलिस के द्वारा और पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में CM के आदेश के बाद सिविल लाइन क्षेत्र में आज चेकिंग अभियान चलाया गया है।